नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रश्नकाल की चर्चा करेंगे और संसद इसके पहले हम लोग एक शून्यकाल पे चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा प्रश्नकाल पे होगी। संसद में प्रश्नकाल बड़ा ही मनोरंजक काल होता है और बहुत ही एक प्रकार से कहना चाहिए कि शोर शराबे वाला, हल्ले गुल्ले वाला, व्यवधान वाला, और इतना ही नहीं बहुत सारी जनता के भी कौतूहल की का काल होता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में अक्सर हमने देखा है कि जो प्रेस गैलरी है, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की, वो खचाखच भरी रहती है। उसका कारण ये है कि जो सबसे जीवंत काल माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, मंत्री उत्तर देता है, उस पर पूरक प्रश्न होते हैं, और जाने क्या के उसमें एक जीवंतता पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में प्रश्नकाल पे रहती है। तो आइए आज देखें कि प्रश्नकाल क्या है, लोकसभा में कैसा है, राज्यसभा में उसमें क्या कोई फर्क है, और किस किस तरीके की गतिविधियां, किस किस तरीके के प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं, नियमावली क्या कहती है संसद की, और किस तरह से हम उसका ज्ञान प्राप्त करके भारतीय लोकतंत्र के बारे में, अपनी संसद की कार्य के बारे में, संसद की कार्य प्रणाली के बारे में एक कोई धारणा बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संसद में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रश्नकाल है, ये संसद के दो सदन होते हैं, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में आज की तारीख में प्रश्नकाल में एक घंटे का अंतर है। लोकसभा में प्रश्नकाल कार्यवाही की शुरुआत होते ही शुरू हो जाता है, अर्थात 11 बजे पूर्वान्ह, 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है वहां पे प्रश्नकाल शुरू हो जाता है, और 11 बजे से लेके 12 बजे तक का एक घंटे का समय होता है आवंटित प्रश्नकाल के लिए। तो 11 बजे शुरू हो जाता है और 12 बजे, जिसको की है मध्यान्ह कह सकते हैं, ये समाप्त हो जाता है। तो 11 बजे से 12 बजे तक का लोकसभा में प्रश्नकाल होता है, और आप जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ठीक 12 बजे से लोकसभा में शून्यकाल, जीरो आवर शुरू हो जाता है, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन राज्यसभा में आज की तारीख में ये समय बदल गया है, और ये समय जब लोकसभा का प्रश्नकाल खत्म होता है उसी समय राज्यसभा का प्रश्नकाल शुरू होता है। अर्थात राज्यसभा का जो प्रश्नकाल है वो 12 बजे मध्यान्ह से शुरू होके और 1 बजे अपराह्न तक चलता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहला तो हमें ये चीज समझनी है कि लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्नकाल आज की तारीख में आगे पीछे है। एक जमाना था जबकि लोकसभा का भी कार्यकाल प्रश्नकाल 11 बजे से और राज्यसभा का भी प्रश्नकाल 11 बजे से शुरू होता था, लेकिन इसमें कुछ बाद में कालांतर में परिवर्तन है, जिसका कि भी हम लोग जिक्र करेंगे कि कब हुआ परिवर्तन, कैसे हुआ। और 12 बजे से 1 बजे तक लोकसभा में आप जानते हैं कि शून्यकाल होता है, अर्थात 1 बजे लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी दोनों का उस दिन भोजन के लिए अवकाश हो जाता है। भोजन के लिए अध्यक्ष कहता है कि अब 1 बजे से लेकर 2 बजे तक की आपकी छुट्टी है, दोनों सदनों में 1 से 2 तक सदस्यगण अपने भोजन वगैरह करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये जो प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल समय का भले अंतर हो, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में, जैसा कि मैंने अभी आपको चर्चा किया कि बड़ा जीवंत होता है, और जीवंत इसलिए होता है कि प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं होता प्रश्नकाल में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। पहली तो बंदिश ये है कि जो भी, चूंकि प्रश्नकाल नियमावली में है, लोकसभा के राज्यसभा की नियमावली में है, जैसा कि हमने देखा था शून्यकाल नियमावली में कोई स्थान नहीं है उसका, शून्यकाल एक परंपरा पर आधारित है, लेकिन प्रश्नकाल परंपरा पर आधारित नहीं है, बाकायदा नियमावली में है, और इसमें
एक प्रक्रिया के तहत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका भी अभी हम लोग उल्लेख करेंगे। और इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रश्नकाल की, वो ये है कि चाहे वो प्रश्न लोकसभा में पूछे जाएं और चाहे वो प्रश्न राज्यसभा में पूछे जाएं, मंत्री को उसका उत्तर देना पड़ता है। और इसका कारण ये है कि इन प्रश्नों की पूर्व सूचना मंत्री को होती है। ऐसा नहीं कि वो प्रश्न अचानक पूछ दिए जाएं। जब आप प्रक्रिया देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्नकाल की पूर्व सूचना मंत्री को होती है कि कौन सदस्य क्या प्रश्न पूछने वाला होता है। तो जिस तरीके से हम लोग इम्तहान में जाते हैं और इम्तहान की तैयारी करके जाते हैं, उसी प्रकार से मंत्रीगण भी वास्तव में उन प्रश्नों की बड़ी बाकायदा तैयारी करके जाते हैं। और उस तैयारी के पीछे का एक राज है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि उसमें वो तैयारी क्यों जरूरी होती है। तो वो तो खैर उस पे आते हैं अभी। लेकिन जो प्रश्नकाल है वो वास्तव में केवल एक प्रश्न नहीं होता। उस प्रश्न में पहला चीज तो ये होती है कि सरकार से उसके किसी निर्णय, उसके किसी अनिर्णय, उसके किसी नीति, उसके किसी कार्यक्रम, उसके किसी भी चीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। पहली चीज तो एक प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है, बल्कि सरकार को उसकी पूरी गवर्नेंस की जो प्रोसेस है, उस पूरी गवर्नेंस की प्रोसेस पे सरकार को विपक्ष घेरने का एक मौका प्राप्त करता है। अर्थात जो लोग भी सरकार में नहीं है, वो सारे पार्टियां, वो सारे सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ के सरकार पे एक प्रकार का दबाव बनाते हैं। और दबाव इसलिए बनाते हैं कि उनका वो प्रश्न केवल वही नहीं पूछ रहे होते हैं, बल्कि वो वैसा प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठता होगा देश भर में। और देश भर में आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लाइव टेलीकास्ट होती है, तो जो भी देखना चाहे उस कार्यवाही को देख सकता है और ये देख सकता है कि किसने क्या प्रश्न पूछा और उस प्रश्न पूछने के पूछे की भावना क्या थी। प्रश्न पूछना केवल एक सामान्य क्रिया लग सकता है कि ऐसा प्रश्न, लेकिन कभी कभी हम प्रश्न इस इरादे से नहीं पूछते हैं कि हमें उसमें कुछ सूचना या ज्ञान चाहिए, बल्कि हम प्रश्न इस इरादे से भी पूछते हैं कि अगले को हम दबाव में लेना चाहते हैं, उससे कुछ चीज उगलवाना चाहते हैं या निगलवा, उससे हम चाहते हैं कि वो संसद के सामने, हमारे सामने, देश के सामने सरकार इस पर अपनी स्पष्ट नीति करे कि वो इस संबंध में क्या सोचती है। तो सरकार की सोच भी हमको कि सरकार क्या सोचती है विषयों पर, वो भी प्रश्नकाल में आता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि प्रश्नों के माध्यम से आलोचना के स्वर मुखर होते हैं। प्रश्न केवल एक छोटा सा सीधा साधा लगने वाला प्रश्न नहीं होता। प्रश्न की संरचना, प्रश्न का जो विन्यास है, कैसे प्रश्नों का रचना की जाए, प्रश्न किस इरादे से पूछे जाए एक बात है, और प्रश्नों की जो भाषा है वो कैसी बनाई जाए कि सरकार को ऐसा लगे कि वास्तव में जो कुछ भी उसने किया है, जो नीतियां उसने ली हैं, वो उस पर एक प्रकार का उसकी आलोचना है उन प्रश्नों में। अगर वो उन प्रश्नों का जवाब देती है, उनसे बहुत सारे तथ्य उभर के सामने आते हैं, तो वो प्रमाणित करते हैं कि सरकार ने जो नीतियां बनाई थी, जो निर्णय लिए थे, वास्तव में वो निर्णय, वो नीतियां सही थी या नहीं थी। तो प्रश्न के पीछे पहला तो कारण हो गया कि हम सूचना मांगते हैं, और दूसरा कारण ये हो गया कि हमें आलोचना के स्वर को मुखर देने का, मुखर करने का भी एक अवसर मिलता है। और तीसरी चीज कि बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो महत्व के विषय होते हैं, जिस पर कि पूरे देश की जनता चिंतित होती है या जानना चाहती है, उन प्रश्नों के माध्यम से वास्तव में अगर हम देखें तो जनता को या पूरे संसद को या पूरे देश को ये मौका मिलता है कि उन प्रश्नों के माध्यम से एक बहुत ही संतुलित बहस पक्ष और विपक्ष में होती है। क्योंकि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मंत्री को उसका जवाब देना पड़ता है, तो कम से कम किसी भी प्रश्न में दो व्यक्ति तो इन्वॉल्व होंगे ही, कभी कभी कुछ ज्यादा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं बताऊंगा कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन दो लोग तो बिल्कुल ही इन्वॉल्व होते हैं, एक प्रश्न पूछने वाला और एक उत्तर देने वाला, जो कि निश्चित ही कोई ना कोई मंत्री होता है। तो इस प्रकार से ये चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करती है। अभी अभी हम लोगों ने इस बात पर डिस्कस किया था, चर्चा की थी कि राज्यसभा के प्रश्न प्रहर काल में और लोकसभा के प्रश्न प्रहर काल में अंतर है। थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालते चलें कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। जो प्रारंभिक स्थिति थी, शुरुआती स्थिति थी, शुरुआती स्थिति में 11 बजे से राज्यसभा का भी प्रश्नकाल होता था,
और उसमें लोकसभा का भी 11 बजे से होता था, दोनों का एक साथ होता था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि 2011 में, वर्ष 2011 में राज्यसभा का जो प्रश्नकाल था उसको शिफ्ट करना पड़ा, 2 से 3 बजे करना पड़ा। उसके कुछ कारण थे तात्कालिक, लेकिन जब देखा गया कि 2 बजे से 3 बजे तक उसको शिफ्ट किया गया तो एक बड़ी मनोरंजक कठिनाई सामने आई। और मनोरंजक कठिनाई सामने ये आई कि भोजनावकाश जो है 1 से 2 तक होता है, और आप देख रहे हैं कि ठीक भोजन के बाद प्रश्नकाल को रखा गया। तो जाहिर है कि संसद में बहुत सारे ऐसे सदस्य होते हैं जो कि वयोवृद्ध होते हैं, और जरा वृद्ध होने के कारण जो है भोजन के बाद आप समझ सकते हैं कि उनको थोड़ा सा विश्राम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो होने क्या लगा कि राज्यसभा के बहुत सारे सदस्य जो है गायब रहने लगे, और गायब इस आधार पर रहने लगे कि साहब हम तो खाना खाने के बाद हम थोड़ा विश्राम करते हैं, हम थोड़ा सोते हैं, हल्का सा एक नैप लेते हैं। और इस वजह से वो जो 2 से 3 का समय रखा गया राज्यसभा प्रश्नकाल के लिए, वो बड़ा ही थिन उसमें अटेंडेंस होने लगी, बहुत कम लोग। ऐसा लगा कि किसी को जैसे रुचि नहीं, पता लगा 10 लोग बैठे हुए पूरी राज्यसभा में, 250 लोगों में 10 लोग बैठे हुए, 15 लोग बैठे हुए हैं और प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक बहुत औपचारिकता सी लगती थी। क्योंकि वास्तव में प्रश्नकाल बड़ा जीवंत होता है, सबको लगता है कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा आज, उसका मंत्री क्या उत्तर देगा, और कैसे उस मंत्री को घेरा जाएगा, और सरकार की क्या रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होगी वगैरह वगैरह। तो दर्शक दीर्घा भी उसमें रुचि लेती थी। तो पता चला 2 से 3 में दर्शक दीर्घा भी, भाई दर्शक थे वो भी भोजन करने चले गए, और वो भी फिर अपने आराम करते हैं या नहीं आते हैं। तो वो जो मनोरंजन था या वो जो वाइब्रेंसी थी प्रश्नकाल की, वो 2 से 3 में नहीं मिली। और इस प्रकार से जब मोदी सरकार आई है, तो भाजपा की जब सरकार आई 2014 में, तो उस समय राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी साहब थे, और उनके नेतृत्व में फिर ये निर्णय लिया गया कि 24 नवंबर से, अर्थात 24 नवंबर 2014 से फिर इसको उसी तरीके से चेंज कर दिया जाए, 11 बजे न किया जाए लेकिन इसको 2 से 3 न किया जाए। तो 2014 में इसका समय फिर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। तो इस प्रकार से राज्यसभा में प्रश्न प्रहर का के समय में आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा है, और ये आपके सूचना के लिए मैंने आपको बताया। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि जो ये प्रश्नकाल होता है, इस पर पहले भी शून्यकाल के चर्चा के दौरान भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रश्नकाल वास्तव में एक ऐसा काल होता है जिसमें कि कोई भी कुछ भी प्रश्न नहीं पूछ सकता। जैसे शून्यकाल में भी मैंने आपको बताया था कि शून्यकाल में कोई भी कुछ भी नहीं पूछ सकता, उसकी भी पूर्व सूचना अब देनी होती है। लेकिन प्रश्नकाल में तो बाकायदा रूल बुक में है कि भाई आपको सूचना देनी ही पड़ेगी। और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो कि आपको या 3 प्रकार के नहीं बल्कि आप कह सकते हैं 2 प्रकार की समयावधि होती है, 3 बिंदु होते हैं उसके। और एक तो यह है कि अधिकतम जो समय होता है वो 21 दिन का होता है, कि 21 दिन पहले आप सूचना दे सकते हैं कि मुझे क्या प्रश्न पूछना है। सूचना सचिवालय को देनी होती है, अगर लोकसभा का मसला है तो लोकसभा सचिवालय को देनी होती है, अगर राज्यसभा का प्रश्न है तो राज्यसभा के सांसद को पूछना है तो राज्यसभा सचिवालय को देगा। तो अधिकतम 21 दिन की होती है, लेकिन न्यूनतम अवधि 10 दिन की होती है। ये तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने प्रश्न को पूछना है तो आपको कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी लोकसभा के सचिवालय को। लेकिन जो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी 10 दिन से, 10 दिन का भी समय काफी होता है, 10 दिन के बीच में मान लीजिए कि 6 ही दिन है और हम 5 ही दिन में अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, 4 ही दिन में अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की व्यवस्था है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन अर्थात कम समयावधि के प्रश्न। कम समयावधि का प्रश्न का मतलब 10 दिन से कम समय,
अब वो कितना समय हो ये निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर 10 दिन से कम समय में आप अपने प्रश्न को पूछना चाहते हैं तो आपको कम समयावधि के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा कि, और ये कारण भी बताना पड़ेगा कि हमको क्या इतनी जल्दी है कि हम 10 दिन से पहले ही कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति कन्विंस्ड है कि हाँ आपके बात में दम है, आपके क्वेश्चन को पूछा जाना इम्पोर्टेंट है और उसको पूछा जाना चाहिए, तब वो आपको अनुमति दे सकता है कि हाँ आप प्रश्न पूछें, अन्यथा वो आपके प्रश्न को रिजेक्ट भी कर देगा। तो ये तो दो चीजें हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें जो भी प्रश्न पूछना है वो प्रश्न वास्तव में हमें समय से पूछ लेना चाहिए, उसकी सूचना दे देनी चाहिए, तो हमारा प्रश्न उस दिन सम्मिलित हो जाता है। अब जो हम प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्नों के कुछ प्रकार होते हैं। एक तो समय का बंदिश हो गया कि हमें समय का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, प्रश्न पूछते समय हमें यह बताना पड़ता है कि हम किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्थात चार प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो कि पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में भी चार प्रकार के प्रश्न होते हैं और राज्यसभा में भी चार प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा प्रश्न होता है अतारांकित, इसको स्टार्ड कहते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, इसको अनस्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं। और तीसरा जो प्रश्न होता है वो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अल्प समयावधि का प्रश्न होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होती हैं। और चौथा प्रश्न जो होता है वो व्यक्तिगत सदस्य प्रश्न, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत सदस्य प्रश्न। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों के चार प्रकार होते हैं और इन चारों प्रकारों में जो प्रक्रिया का पालन होता है, जिन प्रक्रिया का पालन होता है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि इन चारों प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रिया क्या फॉलो की जाती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया तो यही है कि आपको लोकसभा को इसकी सूचना देनी पड़ती है। और जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी एक समयावधि होती है और उस समयावधि में हमें लोकसभा सचिवालय को या राज्यसभा के सचिवालय को जैसी भी स्थिति हो अपने प्रश्न की सूचना देनी पड़ती है। तो प्रश्न जो हम पूछते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रश्नों के प्रकार भी जाहिर है कि हमें बताना ही पड़ता होगा कि किस प्रकार के हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। लेकिन जो प्रश्न हम पूछ रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम वो प्रश्न बस ऐसे ही दे देंगे साहब हमने ये प्रश्न पूछना है, हमें उसमें कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। पहली चीजें बतानी पड़ती हैं कि वो प्रश्न हम किससे पूछ रहे हैं, किससे का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मंत्रियों को देने होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में तो अनेक मंत्री होते हैं, क्या कोई भी मंत्री आके आपके प्रश्न का जवाब देने लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी मंत्रालय से संबद्ध होता है। तो जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो वास्तव में कोई ना कोई मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व होता है, तो जाहिर है कि आपको उस मंत्रालय के मंत्री का भी हवाला देना पड़ेगा। लेकिन मंत्री में भी आप जानते हैं कि कई वर्ग होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है, तो आप एक्चुअली किस व्यक्ति से, किस मंत्री से पूछना चाहते हैं, उसका पदनाम क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम किस मंत्री से प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसका पदनाम आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आपको तिथि बतानी पड़ेगी कि डेट, किस डेट को हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं।
ऐसा नहीं कि आप कभी कहते हैं साहब कभी भी पूछ लिया जाए ये प्रश्न है, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप वो प्रश्न पूछेंगे उस दिन प्रश्नकर्ता को उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा उसका प्रश्न निरस्त हो जाएगा, कौन पूछेगा उसकी जगह पर उसका प्रश्न, तो उसका उपस्थित होना अनिवार्य है। तो उसे डेट बतानी पड़ेगी कि साहब हम 12 तारीख को पूछेंगे कि 25 तारीख को पूछेंगे कि 1 तारीख को पूछेंगे, किस तारीख को पूछेंगे, किस महीने में किस तारीख को पूछेंगे, ये उसको बताना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक सदस्य एक से ज्यादा प्रश्नों को पूछने की नोटिस दे सकता है। मान लीजिए उसने 2 प्रश्नों को पूछने के लिए नोटिस दिया, 3 प्रश्नों को पूछने के लिए नोटिस दिया, तो जब वो कई प्रश्नों को पूछने की नोटिस दे सकता है, और अगर एक ही सदस्य कई प्रश्नों को पूछने की नोटिस देता है तो उसको ये क्रम भी बताना पड़ेगा कि हमारा जो प्रश्न है नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, और नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है। अर्थात स्पीकर एक ही प्रश्नकर्ता के कई प्रश्नों को एक क्रम देगा कि वह किस क्रम में उन प्रश्नों को पूछ सकता है। और यह भी संभव है कि स्पीकर उन 3 या 4 जो भी उसने प्रश्न पूछे हैं उसमें से केवल एक ही प्रश्न को अलाउ करे, 2 ही प्रश्न को अलाउ करे, लेकिन अगर उसके 1 से अधिक प्रश्न अलाउ करता है स्पीकर या राज्यसभा का सभापति, तो फिर उसको उसी क्रम में वो प्रश्न पूछने पड़ेंगे। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये 3 या 4 चीजें, हमेशा 3 चीजें उसको बतानी पड़ेगी कि इस मंत्री, क्योंकि जो भी वो प्रश्न पूछा जाएगा उसकी नोटिस देगा, वो प्रश्न उस संबंधित मंत्री को भेजा जाएगा, वो मंत्री तैयारी करके आएगा, किस दिन आएगा, किस समय आएगा, ये सब शेड्यूल बनता है पहले से ही। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई किसी मंत्री से कोई प्रश्न पूछ ले तो फिर उसका सही उत्तर उसको नहीं प्राप्त हो जाएगा। ये इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि वास्तव में प्रश्नकर्ता को अपने प्रश्न का समुचित उत्तर मिल सके और बिल्कुल प्रामाणिक उत्तर मिल सके, क्योंकि मंत्री जो उत्तर देता है वो सदन की प्रोसीडिंग्स में चला जाता है, वो बाकायदा ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। इसलिए उस प्रश्न को बड़ी गंभीरता से सरकार भी लेती है और संसदीय प्रक्रिया में लोकसभा सचिवालय भी लेता है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि जो प्रश्न के प्रकार हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन या व्यक्तिगत सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों की क्या खासियत है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन इसे क्यों कहा जाता है, इसलिए कि जब आप प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 ये है, तो इस प्रश्न के आगे आपको एक तारे का निशान बनाना पड़ता है, ऐसा एक तारे का निशान बनाना पड़ता है। तो तारे का निशान, एक स्टार का निशान बनाना पड़ता है, और इसलिए इसे स्टार्ड क्वेश्चंस कहते हैं। अक्सर ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है या कभी भी इसे प्रश्न आ सकता है कि तारांकित प्रश्न की क्या खासियत होती है, और उसमें बड़े सारे विकल्प होते हैं जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्रश्न के ऊपर तारे का एक चिन्ह बना होना चाहिए, तभी लोकसभा सचिवालय को या राज्यसभा सचिवालय को ये पता चलेगा कि ये स्टार्ड क्वेश्चन है। दूसरी चीज कि ये जो स्टार्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 1 से ज्यादा प्रश्नकर्ताओं के नाम हो सकते हैं, अर्थात इसको एक मूल प्रश्नकर्ता हो सकता है और उसके सह प्रश्नकर्ता कर्ता भी हो सकते हैं, और ये सह प्रश्नकर्ता 1, 2, 3, 4 जितने भी चाहे नाम ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी सदस्य ने एक प्रश्न का नाम दिया, उसने उसमें 3 और सदस्यों के भी नाम जोड़ दिए, तो कुल 4 सदस्य हो गए प्रश्न पूछने वाले। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रश्न केवल एक ही सदस्य नहीं पूछ सकता है, बस कि उस प्रश्न में और भी प्रश्नकर्ताओं के नाम जोड़े जाते हैं, और प्रायः अगर लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय प्रक्रिया को आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक प्रश्न में 1 से ज्यादा सदस्यों के नाम होते हैं। बहुत कम ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि एक ही सदस्य के नाम पे होते हैं, कुछ और 2-3 सदस्यों के नाम भी उसमें जुड़े होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो तारांकित प्रश्न है, इस प्रश्न में जो प्रश्नकर्ता है,
जो मूल प्रश्न करता है, जब उसका नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारा जाता है तो वो अपने स्थान पर खड़े होकर उस प्रश्न को पढ़ता है, मूल प्रश्न करता, अर्थात प्रथम प्रश्न करता। मूल प्रश्न करता जो है वो प्रश्न को पूछता है, क्योंकि प्रश्न की पूर्ण सूचना दी जा चुकी है, इसलिए जाहिर है कि प्रश्न लिखित रूप में होगा। तो वो उस अपने प्रश्न को अपने स्थान पर खड़ा होके, जब अध्यक्ष उसका नाम बुलाता है या सभापति राज्यसभा का उसका नाम बुलाता है, तो वो खड़े होकर उस प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ता है। और जब उस प्रश्न को वो पढ़ लेता है तो मंत्री को उत्तर देना अनिवार्य है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो उत्तर मंत्री मौखिक देता है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस जो तारांकित जो प्रश्न होते हैं, इन तारांकित प्रश्नों में जो भी उत्तर होते हैं वो मौखिक होते हैं। और इन मौखिक प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो इसलिए मनोरंजक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन मौखिक उत्तरों से फिर कुछ और प्रश्न उभरते हैं जिनको कि हम अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। और ये इसकी चौथी खास बात है कि अनुपूरक प्रश्न अर्थात सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अनुपूरक प्रश्नों के की जो स्थिति है वो केवल तारांकित प्रश्नों में ही बनती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, जो अतारांकित प्रश्न है उसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं अलाउड होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो अनुपूरक प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो तारांकित प्रश्नों की चार खास बातें होंगी। पहला कि प्रश्न पूछते समय उस जगह एक तारा बना होना चाहिए, नंबर एक। इससे ये पता चल जाता है कि इस प्रश्न का मौखिक उत्तर मंत्री को देना है, मंत्री पढ़ के आता है, तैयारी करके आता है, और भी तैयारी करके, इसलिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मंत्री को इसलिए आना पड़ता है कि इसमें अनुपूरक प्रश्नों की व्यवस्था है, कि एक सदस्य अपना जो मूल प्रश्न है वो तो पूछता ही है, लेकिन मंत्री के उत्तर से भी वो कुछ नए नए प्रश्न बना के तत्काल पूछ सकता है, और मंत्री को उसका कोई इल्म नहीं होता, मंत्री को कुछ पता नहीं होता कि उस पर अनुपूरक प्रश्न क्या पूछ दिए जाएंगे। और ये अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अनुपूरक प्रश्नों के बारे में समझते हैं कि अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं। देखिए, अनुपूरक प्रश्न तारांकित प्रश्नों में ही पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अनुपूरक या सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंत्री के मौखिक उत्तर से जाहिर है कि अगर कोई सदस्य पूरी तरह संतुष्ट है तो कोई बात ही नहीं है, प्राय ऐसा नहीं होता है। प्राय जो प्रश्न करता है वो मंत्री के उत्तर से पूर्ण तरह संतुष्ट नहीं हो जाता, या मंत्री के उत्तर से ही वो कुछ उसके दिमाग में और क्वेरीज आती हैं और कौतूहल आता है। तो नियम ये है कि मूल जो प्रश्न करता है, मूल प्रश्नकर्ता को दो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड है। अर्थात अगर मान लीजिए कि कोई सदस्य, किसी ने एक प्रश्न पूछा, तारांकित प्रश्न पूछा, मंत्री ने उत्तर दिया, उसके बाद वही सदस्य उस कम से कम दो और मौखिक प्रश्न पूछ सकता है, और उन दोनों मौखिक प्रश्नों का जवाब तत्काल मंत्री को देना पड़ेगा। ये बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि अनुपूरक प्रश्न में पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ दिया जाए, ये बड़ी कठिन बात होती है, और मंत्री को इसीलिए तैयारी से आना पड़ता है। लेकिन बात इतने पे ही खत्म नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि प्रश्नकर्ता के साथ कई सह प्रश्नकर्ता जुड़े होते हैं, तो मूल प्रश्नकर्ता के अलावा उसके बाद दूसरे नंबर का जो प्रश्नकर्ता होता है, जो उसका सह प्रश्नकर्ता है, तो जो सह प्रश्नकर्ता है वे कई हो सकते हैं, दो तीन चार पांच हो सकते हैं, सबको नहीं, लेकिन जो उसका नाम सबसे पहले नंबर पे सह प्रश्नकर्ता के रूप में होता है उसको भी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का उसको भी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है, वो भी
एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मंत्री को दो तो उस सप्लीमेंट्री के लिए तैयार रहना पड़ता है और एक ऐसा प्रश्नकर्ता के सप्लीमेंट्री के लिए तैयार होना पड़ता है। और इतना ही नहीं, तीसरी चीज ये होती है कि जो सदस्य संसद के कोई भी सदस्य हैं, वो अगर अध्यक्ष की नेत्रानुमति नेत्रानुमति मुझे अच्छा शब्द लगता है, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी भी सदस्य की आंख स्पीकर की आंख से टकरा जाए तो स्पीकर उसको आंखों आंखों में ही इशारों में अनुमति दे देता है कि हाँ भाई आप भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी सदस्य से स्पीकर की आंख टकरा सकती है, और अगर उसकी आंख स्पीकर से आंख से टकरा, जिसके लिए हिंदी में मैंने नेत्रानुमति शब्द का प्रयोग किया है कि स्पीकर या राज्यसभा का सभापति अपने नेत्रों से अनुमति प्रदान करता है कि हाँ आप भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो एक कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। उनकी संख्या कितनी होगी इसका निपटारा स्वयं अध्यक्ष करेगा प्रश्न के महत्व के अनुसार। कभी कभी कोई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न होते हैं जिसमें बहुत सारे सदस्य बोलना चाहते हैं, तो ऐसे में अध्यक्ष सबको तो नहीं दे सकता अनुमति क्योंकि समय की सीमा होती है, लेकिन फिर भी वो अगर नेत्रानुमति दे देता है तो ऐसे लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा तारांकित प्रश्नों के संबंध में ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है अतारंकित, अतारंकित प्रश्न का मतलब होता है एक बड़ा सीधा साधा कि उसपे कोई स्टार नहीं बना होगा। और जो सबसे खास बात यह है कि अतारंकित प्रश्नों का मतलब यह होता है कि उस प्रश्न पूछने वाले को अपना प्रश्न खड़े होकर पूछना नहीं होता है, उसने प्रश्न का लिखित सूचना दे दी होती है और उसका लिखित जवाब उसको चाहिए होता है। तो उस दिन उसका नियम यह है कि जब प्रश्नकाल खत्म होने वाला होता है तो प्रश्नकाल की समाप्ति पर या समाप्ति होने से थोड़ा कुछ पहले जितने भी अतारांकित या अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं उसकी लिखित उत्तरों की एक प्रति सदन के पटल पे पेश कर जाती है, पेश कर दी जाती है, और सदन के जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा के जितने सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, सबको वो प्रति दे दी जाती है, ताकि वो अगर उस प्रश्न में रुचि रखते हो, उसके उत्तर में अगर रुचि रखते हो, तो वो उसको घर जाके आराम से पढ़े, वो पढ़े या ना पढ़े वो दूसरी बात है, लेकिन सबको मुहैया कराया जाता है। और जाहिर है कि जब अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर होते हैं तो प्रश्नकर्ता में और मंत्री में कोई संवाद नहीं होता अतारांकित प्रश्नों पे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या अतारांकित प्रश्नों पे प्रश्नकर्ता और मंत्री के बीच में कोई संवाद बनता है, तो आप कह सकते हैं कि अतारांकित प्रश्नों पे प्रश्नकर्ता और मंत्री के बीच में कोई संवाद नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न लिखित देता है और उत्तरदाता अर्थात मंत्री भी अपना लिखित जवाब सदन के पटल पर रख देता है, कोई संवाद नहीं होता। और जाहिर है कि जब कोई संवाद ही नहीं होगा तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं होते, इसमें लिखित उत्तर होते हैं केवल, और वो सब प्रस्तुतिकरण लिखित उत्तरों का प्रश्न प्रहर खत्म होने के बाद सदन के पटल पे रख दिया जाता है। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष कितने तारांकित और कितने अतारांकित प्रश्नों का संज्ञान लेगा। तो जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उसमें तो 230 की संख्या वर्णित है कि 230 प्रश्न अतारांकित, और अर्थात 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी दिन, 230 प्रश्नों को स्वीकार किया जाता है। और इतना ही नहीं, 230 प्रश्नों के अलावा 25 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि उन राज्यों से संबंधित होते हैं जहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अर्थात देश में अगर कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं है तो केवल 230 प्रश्न अतारांकित प्रश्न लिए जाएंगे, लेकिन अगर किसी कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है तो ऐसी स्थिति में वहां
उस राज्य से संबंधित भी 25 प्रश्नों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार टोटल आप देख रहे हैं कि 255 ऑप्टिमम प्रश्न तारांकित हो सकते हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि एक लोकसभा में अधिक से अधिक कितने अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में, तो उत्तर होगा 255। और अगर कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ है तो जाहिर है कि 230। और जो तारांकित प्रश्न होते हैं, ये तारांकित प्रश्न केवल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अर्थात मौखिक प्रश्नों को केवल 20 प्रश्न की ही इजाजत दी जाती है। और इस तरीके से 20 लोग मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि एक घंटे में 20 प्रश्न पूछने में कितना समय किसी सदस्य को लगेगा, और मंत्री भी जवाब देगा तो वो कम ही पड़ जाता है समय, इसलिए प्रायः उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, अन्यथा फिर शून्यकाल प्रभावित होता है। तो ये तमाम चीजें जो हम लोगों को अतारांकित प्रश्न को ध्यान में रखना चाहिए कि 255 अतारांकित और केवल 20 तारांकित प्रश्नों को पूछने की व्यवस्था है। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो प्रश्न आता है, तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है उसे अल्पावधि प्रश्न कहते हैं। अल्पावधि प्रश्न हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, इसमें तत्काल जनहित के मुद्दों से संबंधित प्रश्न उठाए जा सकते हैं, 10 दिन से कम उसकी सूचना होती है। और इसकी प्रकृति इतना ध्यान रखिएगा कि जो अल्पावधि प्रश्न होते हैं बिल्कुल तारांकित प्रश्न जैसी उसकी अवधि होती है, अर्थात वो मौखिक रूप से पूछे जाएंगे, मंत्री उसका मौखिक उत्तर देगा, उसमें अनुपूरक प्रश्नों की व्यवस्था है, सारी चीजें वही है। बस केवल इतनी है कि उसमें अनुपूरक प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं है, और अध्यक्ष समय देखकर, समय की सीमा देखकर और परिस्थितियां देखकर अध्यक्ष की अनुमति से उसमें एक आध अनुपूरक प्रश्नों की मांग की जा सकती है, लेकिन शेष सब उसकी व्यवस्थाएं जो है वैसी ही होती है। इसी प्रकार से जो दूसरा अंतिम प्रकार का प्रश्न होता है व्यक्तिगत सदस्य प्रश्न, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका जवाब कोई मंत्री नहीं देता है। संसद के मान लीजिए किसी सदस्य ने कोई प्रस्ताव रखा, कोई अपना उसने मोशन पेश किया, कोई कानून बनाने के लिए उसने कोई सूचना दी सदन को, तो उस सदस्य से अर्थात गैर मंत्री सदस्य से, इसीलिए इसको व्यक्तिगत सदस्य प्रश्न कहा जाता है। व्यक्तिगत सदस्य प्रश्न का मतलब गैर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द हाउस, अर्थात सदन के किसी सांसद ने अगर कोई किसी विषय में पहल की है, कोई इनिशिएटिव लिया है, तो हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई आप ये कानून क्यों बनाना चाहते हैं, इससे क्या फायदा होगा, आपने प्रस्ताव ये क्यों लाया है, इसमें क्या खास बात है, इसमें ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, इसमें क्या है, हमें समझ में नहीं आया। तो अगर हम किसी मंत्री से प्रश्न पूछ के किसी सांसद से उसके इनिशिएटिव के बारे में, किसी लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्न को हम व्यक्तिगत सदस्य प्रश्न कहते हैं, और जाहिर है कि उसी सदस्य को उसका उत्तर देना होता है, और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे कि तारांकित प्रश्नों की होती है, अर्थात उससे भी मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको भी मौखिक उत्तर देना होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत सारे प्रकार के जो प्रश्न पहर में प्रश्न है हमें ध्यान रखना है। तारांकित सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अतारांकित और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और व्यक्तिगत सदस्य प्रश्न, ये चार प्रकार के प्रश्न होते हैं। उन चारों प्रकार के प्रश्नों को पूछ के सदन बड़ा ही एक प्रकार से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार का जो उत्तरदायित्व है वो सुनिश्चित करता है और हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। आशा है कि आपको ये प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा होगा। इस संबंध में अगर आपके कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।